महर्षि घर के दर्शन करें। परंतु कंस, काका ये फूल नंदलाला के लिए? जी बेटिया। तो लाओ ये मुझे दे दो, मैं नंदलाला के घर जा रही हूँ। जहाँ इच्छा विकट होती है वहाँ झट से मार्ग मिल जाता है। बड़ी शीघ्रता है शकटासुर। नन्ना जी देख मुझे क्या मिलो। बाबा जो तेरे लिए मोर पंख लाएंगे ना, उसके साथ जो पोशाक कितनी सुंदर लगेगी, है ना नन्ना? मुझे पता है तुझे भी अच्छी पोशाक चाहिए, है ना? कितना समझाओ मैंने तेरे बाबा को, किंतु तेरे बाबा है कि बड़ा उत्सव करने को तैयार ही ना है। अब जितने भी अतिथि आएंगे कम से कम उनके सामने तो मेरा लल्ला अच्छा दिखे, उन सबसे अच्छा मेरा राजकुमार। एक अतिथि ऐसा भी है मैया जो बिना बुलाए ही आने का प्रयास कर रहा है, पर इतनी शीघ्र नहीं आने दूंगा मैं उसे। ये क्या है मेरे लल्ला के हाथ पर? पलक है। अब जो चाहिए उसकी प्रार्थना कर और फूंक मार के उड़ा दे। रुक जा, मैं तेरे लिए प्रार्थना करती हूँ। तेरे बाबा को अपने लल्ला के मुकुट के लिए सुंदर सा मोर पंख मिल जाए। अब अपने मुंह में हवा भर, दे कैसे, और फूंक मार के उड़ा दे। फूंक मारना लल्ला, कभी तो अपनी मैया की कहीं मान ले, मारते फूंक। बस इतनी सी बात मैया, अभी लो। कहाँ चली गई वो कन्या? लगता है कहीं आसपास ही है नंद का घर। भाभी जे का रखना है? जा उधर रख दे। लल्ला के लिए नया मोर पंख और क्या? यशोदा समय ही ना मिलो, बस कुछ वस्तुएं और शेष हैं, वो ले आऊं फिर उसके बाद चला जाऊंगा। सच्ची संध्या हो जाएगी, सूरज ढल जाएगा, तब जाओगे क्या आप? यशोदा बस कुछ काम और हैं, वो कर लेन दो फिर चला जाऊंगा। देख रहे हो ना लल्ला, देख रहे हो तू अपने बाबा को? तो मैं भी अपने हटके पक्की हूं, घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करना जानती है तेरी मैया। बाबा सावधान, मैया की योजना भारी पड़ेगी आप पर।
जानकी। हाँ भाभी। सुन, लड्डू बांध पोटली में, जा। हाँ। मैं भी ओढ़नी और चटाई निकालती हूँ। हे हे। आपको तो कितने सारे आवश्यक कार्य है ना, मैं ही चली जाती हूँ। यशोदा। और हाँ, अपने लल्ला को साथ लेकर जाऊंगी। यशोदा, ये तुम क्या कह रही हो यशोदा, तुम लल्ला को लेकर बन जाओगी? और नहीं तो क्या, मेरा लल्ला टूटे मोर पंख का मुकुट ना पहने को जी, मैं तो जाऊंगी। यशोदा। नीलमणि, अब तू ही संभाल, मैं तो चली। और ये लड्डू चटाई ओढ़नी ये सब क्या है? तो आपको क्या लगता है, मैं भूमि पे बैठूंगी वन में, या फिर जब तक मोर पंख ना मिलेगो भूखे रहूंगी? यशोदा, तुम नीलमणि को लेकर बन बन भटकोगी। अच्छा जी, तो बस नीलमणि की चिंता है आपको, मेरी ना है। इससे पहले कि फिर से झगड़ा आरंभ हो, मुझे ही कुछ करना होगा। दोनों की चिंता, इसीलिए तो जाने से रोक रहा हूँ। जाना तो पड़ेगा, चाहे मैं जाऊं या आप जाओ। मैंने कहीं ना, प्यासा ही चल के कुएं के पास जाता है, कुआं चल के प्यासे के पास ना आता, कुआं चल के प्यासे के पास ना आता, कुआं चल के प्यासे के पास ना आता। तब तो ऐसा ही होगा मैया। तो तुम ही बताओ, कैसे तुम्हें और लल्ला को मैं वन में अकेले जाने दूं? हाँ तो ठीक है, इतनी चिंता है तो चलो हमारे साथ। यशोदा, मेरी बात तो। नीलमणि, आज कुआ स्वयं प्यासे के पास चलकर आयो, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो संसार के सारे मोर हमारे लल्ला के दर्शन के लिए आतुर हो। अवश्य ही कछु बहुत विशेष है हमारे लल्ला में। जे तो जो आप आलस कर रहे थे ना वन जाने के लिए, इसी कारण से नारायण ने सहायता की है हमारी। और कुछ भी उल्टा सीधा बोल के दृष्टि मत लगाओ, हमारा लल्ला कोई विशेष ना है, ये तो सामान्य सा प्यारा सा लल्ला है मेरा। ये घर है या वन? अभी तक तो गोकुल का एक ही चक्कर काटा है उत्कच, पूरी रात चक्कर लगाते रह जाओगे, पर ना मेरा घर मिलेगा तुम्हें और ना ही मैं। हाँ।
तैयारी ना करनी आपको? हाँ तो जाओ अपने सारे कार्य निपटाओ, मुझे मेरे लल्ला के मुकुट के लिए मोरपंख मिल गए। क्यों लल्ला, अच्छे लगे? यहाँ मैया जितनी प्रसन्न है, बाहर वो बिन बुलाए आती थी उतना ही दुखी है। तीन प्रहर व्यर्थ हो गए, न जाने कब मिलेगा नंद का घर। अब अगले चार पहर तक मैं आपके ही दर्शन करूंगा प्रभु। हाँ, सारी तैयारी हो गई लल्ला, तेरा नया मुकुट भी बन गया। अब मैं चैन से सोऊंगी और तू भी पूरी रात अच्छे से सोना, समझ आई? चल सो जा। क्या हुआ, नींद ना आ रही? सो जा लल्ला, नहीं तो सुबह बहुत थका थका लगेगा तू। क्षमा करना मैया, उस अनचाहे अतिथि को पूरी रात भीतर आने से रोकना है मुझे। ना मैं सर क्यों हिला रहा है? मैया की कहीं मान और आंखें बंद करके सो जा, तभी तो आएगी निद्रा देवी। प्रभु, मैया की आज्ञा मान लीजिए ना। निद्रा देवी? प्रभु, प्रतिदिन मैं इसी आशा में आती हूँ कि आप मुझे स्वयं में लीन होने देंगे और सच में सो जाएंगे, पर प्रतिदिन मुझे निराश होकर वापस लौटना पड़ता है। प्रभु, आपने तो सबको कुछ ना कुछ दिया है, मुझे स्वयं में लीन होने का सौभाग्य कब देंगे? आज रात ये संभव नहीं है निद्रा देवी, पर मैं वचन देता हूँ कल रात में आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा। ऐसे क्या देख रहा है रे टुकुर टुकुर, जैसे किसी से बातें कर रहा हो। सो भी जा लल्ला, कितना सताएगा अपनी मैया को। मुझे पता है मैया, जब तक मैं सोने का स्वांग नहीं करूंगा आप भी नहीं सोएंगी। मेरा प्यारा लल्ला, मैं निंद्रा देवी की दशा समझ सकता हूँ प्रभु। अमावस्या की रात जब मैं आपके दर्शन नहीं कर पाता, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही अनुभव करता हूं प्रभु। अरे चंद्रदेव, अति उत्साह में आप अभी से कोई संकेत मत दे देना शक्टासुर उत्कच को, अभी तो उसे कुछ चक्कर और लगाने हैं गोकुल के। चंद्रदेव, आपका समय पूरा हुआ, अब मेरी बारी है।
चंद्रदेव तो प्रभु दर्शन में खोए हुए हैं, मुझे ही कुछ करना होगा। पिछले 7 प्रहर से लगभग 7 चक्कर लगा चुका हूँ गोकुल के। कहाँ है वो बालक और उसका घर? कैसे मिलेगा कोई संकेत? अब इसे संकेत देने का समय आ गया है। वो रहा, देख रहे लल्ला कितना सुंदर दिन है। हाँ मैया, बहुत अच्छा दिन है आज। अब देख कैसे तेरा काल बनकर तेरे घर में प्रवेश करूंगा, और वो भी बिना बुलाए। बड़ा आनंद आएगा जब नंद भवन की प्रसन्नता दुख में बदल जाएगी, जब हर्ष उल्लास के इन स्वरों के स्थान पर चित्कारें गूंजेंगी। बड़ा आनंद आएगा। यशोदा, मैंने कही थी ना बड़ा उत्सव ना करेंगे, फिर भी तुमने सभी को बुला लिया। सभी को कहा? केवल निकट के मित्र संबंधी और अपनी सहेलियों को ही तो बुलाओ है। केवल निकट संबंधियों को? ये तो पूरा का पूरा गांव आयो है। तनिक निकट से देखता हूँ, पता तो चले इस बालक में ऐसा विशेष क्या है जो इसके प्राण लेने के लिए मुझे आना पड़ा। इतनी भी शीघ्रता क्या है उत्कच? प्राण देने में भी धैर्य नहीं है। कहा था शकट से तुम्हारा बहुत गहरा नाता जुड़ने वाला है। शकटा सुरुत कच। सुनो जी, उत्सव आरंभ होने को है, सब अतिथि आ गए। ये दोनों इतना सारा सामान लेके भीतर कहाँ चले आ रहे हैं? भोला बंसी, गाड़ी पीछे की ओर लेकर जाओ, अभी इनको उतारने का समय ना है। किसे संभालो। तुम कहाँ जा रही हो? पंडित जी के आने के समय हो गए। रोहिणी जी को तो बुला लो। आई
आज तुम्हारे छोटे भाई की जन्म नक्षत्र पूजा और उत्सव है। किंतु मुझे क्षमा करना पुत्र, चाहते हुए भी तुम्हें वहां नहीं ले जा सकती। तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हारे पिताजी ने यह आदेश दिया था कि मैं तुम्हें सारे जग से छुपा कर रखूं, किंतु आज तुम्हारे जन्म के बाद इतना समय बीत गया है और तुम अब तक, मैं ये नहीं जानती पुत्र, तुम्हारे अस्तित्व की घोषणा करना, तुम्हें सबके सामने लाना उचित होगा या नहीं, किंतु मैं अवश्य जानती हूं कि तुम्हें इस घर के भीतर यूं बंद करके रखना मेरे हृदय को चीर देता है। जब भी तुम्हें छोड़कर कहीं चली जाती हूं, मेरे भीतर दुख की एक बड़ी सी लहर उठती है और मेरा हृदय उस लहर में डूब जाता है पुत्र। मुझे क्षमा कर देना, अब तो बस नारायण से एक ही प्रार्थना है, शीघ्र ही ये सब कुछ ठीक हो जाए। तेरी मैया को क्या हो गया लल्ला? जाते समय तो इतनी उत्साहित थी और आते हुए मुंह इतना उतरा हुआ है जैसे किसी ने इसकी बछिया खोल दी। मैया बड़ी माँ के दुख से दुखी है बाबा। सब कुछ ठीक तो है? मन की इच्छा मैं बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ बड़ी माँ। बस एक ही इच्छा है मन में कि मैं भी ये पूजा, ये उत्सव, ये सब कुछ अपने पुत्र के लिए कर पाती। आपका दुख मुझसे छुपाना है जीजी? मुझे लल्ला के सारे उत्सव मनाते देखकर आपको कैसा लग रहा होगा? मुझे आभास है। चिंतित ना हो मैया, आज का ये शुभ दिन बड़ी माँ की दुविधा का समाधान लेकर आएगा। पर उससे पहले इस अनचाहे अतिथि उत्कच को संभालने के लिए मुझे निद्रा देवी की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। जाइए निद्रा देवी, यही समय है आपको दिए हुए वचन को पूरा करने का। अब तुझे नींद आ रही है? कल रात को कही थी ना अच्छे से विश्राम कर लल्ला। जो तो सोगा, ऐसे तो सुलाने में इतनी उठा पटक करा तो है, अब देखो। नंदराज जी, रानी जी, पूजा की सारी तैयारियां हो गई है, अब विधि आरंभ कीजिए। पंडित जी, लल्ला बहुत गहरी नींद में सोका है। जे पूजा में लल्ला की आवश्यकता नहीं है, बस आप दोनों हैं तो पूजा हो जाएगी। यशोदा, तुम लल्ला को उचित स्थान पर सुला दो, व्यर्थ ही यहाँ इसकी नींद टूटेगी। चल लल्ला, आजा।
नाना इसे यहाँ ना सुला सकती, यहाँ तुझे अकेला पड़ जाएगा, उस पर दृष्टि भी ना रख पाऊंगी। यहाँ सुलाया तो जे सारी की सारी आके इसके साथ खेलने लगेंगे, शांति से सो भी ना पाए कुछ। लो यहाँ तो जे सब हल्ला मचा रहे हैं। ये है मेरा घोड़ा और ये है मेरी गाड़ी और ये बैठा है हिरण। हाँ, वहाँ छाँव में सो जाएगा और मेरा पूजा में बैठकर सीधी दृष्टि भी रख पाऊंगी इस पर। लगा था बहुत श्रम करना पड़ेगा इस बालक तक पहुंचने के लिए, किंतु ये तो हिरण का वो शावक निकला जो अपना वध करवाने के लिए स्वयं ही सिंह के मात तक पहुंच गया है। उज्जवल, लल्ला पे दृष्टि रखेगो? हाँ रखूंगा ना ताई जी। खेल खेल में भूल तो ना जाएगो? ठीक है। ठीक है मतलब भूल जाएगो? ना ना दृष्टि रखोगो। देखियो इसे कोई छेड़े ना, हाँ, और धूप लगे ना तो इधर उधर खसका के छाव में कर दियो। अच्छा बच्चा। और हाँ, खिसकाते समय ध्यान रखियो लल्ला मेरी दृष्टि के सामने ही रहे। आप चिंता मत ही करो ताई जी, बचपन से ही बच्चों को संभालना आ तो है मुझे। यशोदा शीघ्र तो करो। शांति शांति। अब प्रथमेश भगवान श्री गणेश की पूजा करेंगे। भगवान श्री गणेश को गंध, हल्दी और धूप चढ़ाइए। परम धाम परम ब्रह्म परेशम परमेश्वरम विघ्न निघ्न करम शांतम पुष्टकांत। अब आप दोनों श्री हरि नारायण के ऊपर अक्षत की वर्षा कीजिए। लीजिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। यशोदा, क्षमा करेगा पंडित जी। षोडशोपचार विधि संपन्न हुई। अब आप दोनों आंखें बंद करके प्रेम पूर्वक इष्ट देवता से लल्ला के स्वास्थ्य हित और दीर्घायु के लिए प्रार्थना कीजिए। परम धाम परम ब्रह्म परेशम परमेश्वरम विघ्न निघ्न करम शांतम पुष्टकांतम अनंतकम सुरासुरेन्द्र सिद्धेन्द्र स्तुतम अस्तौमि परात्परम सुरपति दिनेशम च गणेशम। अरे ये नीलमणि के ऊपर तो धूप आ गई।
बार आ रही है नीलमणि पर, किंतु ताई जी की बात भी माननी है, क्या करूं? जेवचोन भी ना एक कार्य ठीक से ना कर सकता, कहाँ है लल्ला? नारायणी नमोस्तुते। प्रार्थना संपन्न हुई। रानी जी, रानी जी कहाँ चली गई? वो रहो, उछले तो पक्की छाव में करती हूँ, मैं व्यर्थ ही क्रोधित हो रही थी। यशोदा, पूजा का संकल्प लेने के पश्चात ऐसे ऐसे उठकर जानो ठीक ना है। यशोदा, स्मरण है ना जे जन नक्षत्र पूजा हम हमारे लल्ला के हित के लिए कर रहे हैं। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सहवीर्य करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम भद्रं कर्णेभिः सूयाम्। अरे वाह, अब तो मेरा कार्य और भी आसान हो गया। इसी सकट के नीचे कुचल दूंगा इस दुष्ट शिशु को। महाराज कंस को उनके जीवन का सबसे शुभ समाचार दूंगा मैं। मेरी आशा है महाराज कि इस बार भी आपकी आशाओं पे कहीं हिमपात ना हो जाए। उत्कच, उत्कच अपना कार्य अवश्य करेगा अस्ति, बल्कि अब तक तो कर भी चुका होगा। बस आप कुछ ही क्षण में शुभ समा। लो, आ गया मेरा शुभ समाचार। शुभ समाचार की प्रतीक्षा कर रहे थे आप, पर आया कौन? अपशगुन। देवकी, वसुदेव, तुम दोनों यहां कैसे हैं? मथुरा नरेश, हम दोनों आपके पास एक विनती लेकर आए। जानते हो वसुदेव, मुझे आश्चर्य इस बात का नहीं कि तुम मेरे पास विनती लेकर आए हो। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारी विनती यहां स्वीकार करी जाएगी। मैं जानती हूं आपके हृदय के किसी कोने में हमारे बचपन की स्मृतियां अभी भी जीवित है। स्मरण है मैं आपकी वही बहन हूं जिससे आप इतना प्रेम करते थे कि अपना सब कुछ। बस, सीधा सीधा बोल, क्या चाहिए तुझे? अधिक कुछ नहीं महाराज, हम दोनों
एक बार गर्ग ऋषि के दर्शन करना चाहते हैं। महल से बाहर जाना चाहते हैं ये महाराज, इन्हें इतनी छूट देने की आवश्यकता नहीं है। पर आपको ये सुनकर अच्छा नहीं लगेगा महाराज कि आपकी बहन और आपका बहनोई आपसे कुछ छुपा रहे हैं। मेरे दुखों का भार मेरे सहन शक्ति से अधिक हो गया था, इसलिए बहुत साहस बटोर कर आई हूं। अपनी छोटी बहन की इस छोटी सी विनती को अस्वीकार मत कीजिए भैया। थी 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 कैसा भाई हूं मैं, मेरी बहन और मेरा बहनोई सामने खड़े हैं और मैं एक अभिमानी सम्राट की तरह इस सिंहासन पर बैठा हूं। छी, नहीं नहीं, ऐसे हाथ जोड़कर मुझे लज्जित ना करें। अरे हाथ तो मुझे जोड़ने चाहिए आप दोनों के सामने। ए देवकी, क्या तेरा भाई इतना निर्दयी है क्या? अरे तेरी एक छोटी सी इच्छा भी स्वीकार नहीं करूंगा क्या? क्या चाहती है? गर्ग ऋषि के आश्रम जाना है तो जा। कुंवर जी, आप तनिक भी चिंता मत कीजिए। कंस अपने परिवार की इच्छा पूरी नहीं करेगा तो किसकी करेगा? आप बस यात्रा की तैयारी कीजिए, आपकी यात्रा का प्रबंध शीघ्र ही हो जाएगा। धन्यवाद मथुरा नरेश। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ठहरिए, अरे आप दोनों को अकेले कैसे जाने दूं? चिंता रहती है मुझे, दसों दिशाओं में शत्रु हैं मेरे, कहीं कुछ अनहोनी घटित हो गई तो। कुंवर जी, आप एक काम कीजिए, आप दुर्जन को साथ ले जाइए। जो आ गया महाराज। आपने इन्हें जाने की आज्ञा क्यों दी स्वामी? मेरा सुझाव क्यों नहीं माना आपने? हर समय तुम्हारा सुझाव मानना आवश्यक नहीं है प्रिय। जाल बिछा दिया है ये देखने के लिए कि ये दोनों मेरे विरुद्ध क्या षड्यंत्र रच रहे हैं। उतना और सूक्ष्म बुद्धि की तरह मैं तेरे जाल में नहीं फंसूंगा विष्णु अवतार। उन्होंने तेरे सामने आने की भूल की थी, पर मैं तुझे दिखाई नहीं दूंगा, अदृश्य रूप में ही तेरा वध करूंगा। तेरी मां तुझे साधारण से धूप से बचाना चाहती थी, क्या दशा होगी उसकी जब मैं तुझे सकट के नीचे कुचल दूंगा। जाने ये पूजा कब समाप्त होगी, कहीं उड़ तो ना गया होगा मेरा लल्ला। मुझे उसे देखना है, पर जो पंडित जी हैं कि अब देख कैसे इस शकट के भार के नीचे दब जाता है तेरा कोमल तन। यशोदा, पूजा समाप्त होने वाली, आरती को समय हो रहा है। लल्ला सुरक्षित है, चिंता ना करो। कितना नन्हा सा है तू, फिर भी तूने महाराज कंस की रातों की नींद
सुख चैन सब छीन लिया। अब मैं तुझसे तेरे प्राण छीनूंगा, तैयार हो जा। जी क्या हो रहा है? कब इसके तन से विदा ले लेंगे इसे पता ही नहीं चलेगा। निद्रा देवी, समय हो गया है। तुम बहुत अधिक विशाल और असीम बलशाली हो गए थे, पर तुम अपनी शक्ति का प्रयोग अनुचित ढंग से करते थे। एक दिन तुमने महर्षि लोमस के आश्रम में बहुत ही उत्पात मचाया, हरे भरे वृक्षों को नष्ट कर दिया। देख क्या रहे हो ऋषिवर, ये विशाल वृक्ष भी मेरे इस विराट तन के आगे कुछ भी नहीं है। जिसे स्वयं अर्जित तक नहीं किया उस तन पर इतना अभिमान, तो सुन ले, जिनसे तेरा तन बना है उन्हीं पंच तत्वों में इसी क्षण ये विलीन हो जाएगा। ये मेरा श्राप है तुझे, मेरा श्राप है तुझे। आ, 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 आ,
पर तभी तुम्हें अपनी भूल का आभास हुआ और ऋषि लोमश से तुमने क्षमा याचना की। क्षमा करे ऋषिवर, क्षमा करे। मैं मूर्ख अभिमानी हूँ, अज्ञानी हूँ, परंतु आप तो दया के सागर है। कृपा करे ऋषिवर, कृपा करे। बिना तन के मैं कैसे जीवित रह पाऊंगा? तुम जीवित भी रहोगे और अपने दैनिक कार्यों का संचालन भी कर पाओगे, किंतु सजीव प्राणियों या निर्जीव वस्तुओं की सहायता से। ऐसा जीवन तो मृत्यु के समान है ऋषिवर, इससे अच्छा है आप मुझे जीवन से मुक्ति दे दो। मुक्ति भी अवश्य मिलेगी तुम्हें, पर जब तुम परम प्रभु श्री हरि नारायण के चरणों का स्पर्श करोगे। और यही नहीं शक्ता सर, कल जब तुम मुझे खोज नहीं पा रहे थे तब भी तुमने हार नहीं मानी। 7 प्रहर तक 7 बार मेरी और मेरे गोकुल की परिक्रमा की। इस क्रम में तुमने अनजाने में ही अपना पश्चाताप पूरा किया और पुण्य अर्जित कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूं। लल्ला, तुझे कुछ हुआ तो ना है ना? तुम ठीक तो है ना? मेरा नीलमणि, मेरा प्यारा बच्चा। भोला पंछी, ये सब क्या है? उज्जवल, ये किसने करो है? और देख कहानी मत सुनाइयो। उज्जवल पुत्र, कैसे हुआ ये सब? किसने किया? और किसने, महाबली नीलमणि ने बड़ी ताई जी। जी क्या बोल रहे हो? सच्ची सच्ची बता। लो, फिर फंस गया उज्जवल। मैं सच्ची कह रहा हूँ, अचानक तीव्र वेग से वायु चली, फिर ऐसे लगो जैसे कोई भूकंप आ रहा है, और फिर जब मैंने देखा तो ये सकट अपने आप हिल रही थी, खड़खड़ 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 खड़खड़। और फिर मैंने साहस दिखाया और उस सकट को रोकने का प्रयास करो, पर सकट ना रुको, जे हिले ही जा रहा था, खड़खड़ 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 खड़खड़। और फिर ऐसे ही हिलते हुए अचानक से आगे बढ़कर सीधा नीलमणि के ऊपर चला आयो। फिर और फिर सकट भी हिल रहा था, खड़खड़ खड़खड़, और सकट का सामान भी हिल रहा था, थरथर थरथर। ऐसा लगो जैसे सकट नीलमणि को कुचलने को। पर तभी जे जाग गए हो, इसने खींच कर अपने पांव का प्रहार करो और चीख गया सकट आकाश पे। और फिर भूमि पे गिर कर चकनाचूर। मैं सच्ची कह रहा हूँ ताई जी, नीलमणि के पैर का स्पर्श होते ही वो सकट ऐसे वायु में उड़ी जैसे कोई फूल। अच्छा,
और जो तेरे हाथ में ये माखन है ये भी अपने आप उड़ के आ गया होगा ना। हाँ, मैं सच्ची कह रहा हूँ। सदा बड़ पोलापन, ये अच्छी बात ना है लल्ला, सत्य बता। मैया, मैं सत्य बोल रहा हूँ, ये सकट अपने आप ही आयो था और नीलमणि के प्रहार करते ही तू उड़ जा गिरो। अरे ये बड़बोले से पूछने से अच्छा है कि हमें स्वयं विचार करना चाहिए कि ये सकट टूटा कैसे। हाँ नंदराज, हाँ हम भी आरती के लिए भीतर चले गए थे। हाँ। अरे आप सब मेरा विश्वास क्यों ना कर रहे हो? नीलमणि के प्रहार से ही उज्जवल सकट बहुत पुराना था, पहिया ढीला होकर खुल गया होगा। यशोदा, अनेक कारण हो सकते हैं, चिंता करने की कोई आवश्यकता ना है। मैं चिंता क्यों करने लगी भला? मेरे नीलमणि के गले में रक्षा वाला कंठक पहले से ही है और हम जैसा पूजा पाठ इतने विधि विधान से इसी के लिए तो कर रहे हैं, है ना पंडित जी? हाँ रानी जी। तो बस फिर मेरे लल्ला को कछु क्यों होने लगो? और आप सब स्वयं ही देख लो ना, जे इतना बड़ा सरकट टूट के बिखर गया है किंतु मेरे लल्ला को एक खरोच भी ना आई। इसका अर्थ तो यही है ना कि हम जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, मुझे चिंता करने की कछु आवश्यकता ही ना है। चलो सब भीतर चलते हैं। हाँ हाँ, लल्ला को भूख भी लगी आई होगी। नंदराज जी, अब हमें भी आज्ञा दीजिए। प्रणाम पंडित जी। ध्यान कहाँ था तुम दोनों का? और अधिक सावधान रहने की आवश्यकता थी ना? क्षमा कीजिए नंदराज। यशोदा, क्या हुआ? बोलो ना, क्या सोच रही हो? मुझे बहुत चिंता हो रही है जीजी। मेरे लल्ला के साथ कुछ ना कुछ दुर्घटना होती रहती है। अरे अभी बाहर ही तुम सबको समझा रही थी, अब भीतर आते ही क्या हो गया तुम्हें? बाहर समझाने वाली मैं ना थी जीजी, वो तो गोकुल की रानी जसोदा थी, किंतु भीतर से मैं अपने नीलमणि की मैया हूं बस। और एक मैया को कितनी चिंता होती है, जे आपसे अधिक कौन जान सकता है। बहुत बड़ा धक्का लगा है मैया को इस घटना से, अब तो ये मेरी रक्षा के लिए और भी अधिक चिंतित हो जाएंगी। यंत्र का कंठक, पूजा पाठ, इतने सारे प्रहरी, सुरक्षा के प्रबंध, यदि इतने सबके बाद भी मैं अपने लल्ला की रक्षा न कर पाई तो मुझसे अधिक अभागी कौन हो सकती है? मैं तुम्हारे मन की दशा समझती हूँ यशोदा, इसी चिंता के कारण ही तो मैंने आज तक अपने पुत्र को छुपा कर रखा है। मैं जानती हूँ जीजी, मैं समझती हूँ। मैंने तो नीलमणि के लिए इतने सारे संस्कार भी करो हैं, पूजा पाठ की है, किंतु आपने तो मैंने तो आज तक अपने पुत्र का एक भी संस्कार नहीं किया है। आंसू पोंछ लीजिए बड़ी माँ, शीघ्र ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब मैंने उसे जन्म दिया उसके बाद से आज तक ना उसे घर के बाहर लाई हूँ, ना कोई संस्कार किया है, मैं तो उसका नामकरण भी नहीं करवा पाई हूँ यशोदा। उसके जन्म के समय स्वामी ने यह संदेश भिजवाया था कि उस कंस को हमारे पुत्र के बारे में तनिक भी भनक नहीं पड़नी चाहिए। तब से आज तक भय के छाव में जीती आई हूँ कि
वो कंस कहीं हमारे पुत्र को भी ना मार दे, जैसे देवकी के सारे संतानों को मार दिया है। ये आशंका कभी सत्य नहीं होगी बड़ी माँ, मैं हूँ ना। माँ अपनी संतान के मन की बात बिना कहे ही समझ जाती है, आप भी समझ जाओ ना मैया। चीची हमें रोना ना चाहिए, हमें देख के लल्ला भी रो रहा है। मैया आपकी सहायता की आवश्यकता है मुझे। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे लल्ला मुझसे कुछ कहना चाह रहा है? दाऊ को हम सबसे दूर कब तक रखेंगे बड़ी माँ? ये सोच रहे होगो कि अब तक आपने इसके दाऊ को छुपा के क्यों रखो है? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ मैया। चिची कितना मन करता होगा ना इसका अपने दाऊ से मिलने का, और आपके लल्ला का भी तो मन करता होगा ना कि अपने छोटे भाई को मिले। कितनी बातें करते हैं हम दोनों की इनके सामने। हाँ यशोदा, मैं भी अपने पुत्र को नीलमणि के बारे में सब कुछ बताती हूँ। तो बस फिर हमें साथ साथ रखिए ना, मेरा आधा हिस्सा है वो, उनके बिना मैं अधूरा हूँ मैया। ये दोनों भाई एक दूसरे के बिना अधूरे हैं जीजी, हमें इन दोनों को साथ ही रखना चाहिए। आप ही सोचो, यदि नीलमणि की रक्षा होगी तो आपका लल्ला भी तो सुरक्षित रहेगा। तुम सच कह रही हो यशोदा, हमें इन दोनों को मिलाना चाहिए और साथ में ही रखना चाहिए सुरक्षित। तब तो शीघ्र ही पंडित जी को बुलाकर हमें शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। शुभ मुहूर्त? हाँ शुभ मुहूर्त, दोनों भाइयों के मिलन के साथ साथ उनका नामकरण संस्कार भी करवा देते। अब अपने दाऊ से मिलूंगा मैं। ऋषिवर की दिव्य आभा के कारण ये वातावरण कितना शुद्ध, कितना पवित्र लग रहा है ना। हाँ देवकी, इनका तेज ही ऐसा है कि इनके निकट केवल पवित्रता ही वास कर पाती है। किसी भी प्रकार की दुष्टता इनके पास जाने से पहले ही नष्ट हो जाती है। इनका तेज ही ऐसा है कि इनके निकट केवल पवित्रता ही वास कर पाती है। किसी भी प्रकार की दुष्टता इनके पास जाने से पहले ही नष्ट हो जाती है। यदि महर्षि की इच्छा के बिना मैंने भीतर प्रवेश किया तो कहीं ये मुझे श्राप ना दे दे। नहीं नहीं, इससे तो अच्छा है कि मैं यहीं आश्रम के बाहर रुकूं और यहीं से इन दोनों पर दृष्टि रखूं। आपके आने का आभास हो गया था राजन। गुरुदेव, जो संतानें हमने खो दी है उनका श्राद्ध करवाने की विनती लेकर हम आपके पास आए हैं।
आपका आना व्यर्थ नहीं जाएगा राजन, परंतु मुझे आभास हो रहा है श्राद्ध कर्म इस भेंट का एकमात्र कारण नहीं है। आपको उसकी या कंस की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत होकर बताइए कि आपकी इच्छा क्या है। गुरुदेव, वर्तमान में मेरी प्रथम पत्नी रोहिणी पुत्र सहित गोकुल में निवास कर रही है। हमारे उस पुत्र का और भाभी यशोदा के पुत्र का नामकरण संस्कार करवा दीजिए, बस यही हमारा सौभाग्य होगा। मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? देवी रोहिणी से उत्पन्न आपका पुत्र यादव कुल का राजकुमार है और यादवों का गुरु होने के नाते उसका संस्कार कराना हमारा कर्तव्य है। परंतु यशोदा पुत्र का नामकरण वो आप मुझसे क्यों करवाना चाहते हैं? गुरुदेव, सत्य ये है कि रुक क्यों गई रानी देवकी? आपके मन में जो कुछ है कहिए। ये कैसी दुविधा में फंस गया मैं। यदि मैंने गुरुदेव को यशोदा पुत्र का सत्य बताया तो कंस को भी पता चल जाएगा, और यदि नहीं बताया तो कहीं ऐसा ना हो कि ऋषिवर ही बुरा मान जाए। लगता है आप दोनों की दुविधा मेरे अनुमान से भी बहुत बड़ी है। अपनी या अपने पुत्र की कुंडली लाए हैं राजन? जी गुरुदेव, अपनी कुंडली है मेरे पास। देवकी, जो रहस्य आप नहीं बता पा रहे हैं राजन, वो ये कुंडली बताएगी। लल्ला, बता कैसी है जगदा? मैया को हो क्या गया है आज? देख, सही सही बताइयो। अच्छी है ना, पसंद आएगी ना उसे? हाँ, या फिर जे मोर पंख वाला मुकुट दे दूँ? पहली बार मिल रहा है तू, उपहार तो देना चाहिए ना। पर बड़े तो वो है ना मैया, उपहार तो वो देंगे मुझे। ना ना, मोर पंख वाला मुकुट तो मेरे लल्ला का है ना, जे ना दे सकते। तेरे जैसा कोई कंठक या चांदी वाला कड़ा दे दूं? हाँ, इस मिलन के लिए मुझसे अधिक उतावली तो मैया है। अच्छा जे उपहार छोड़, तू तो जे बता कि तू उसे बुलाएगा क्या कह के? अन्य सभी के जैसे बड़े भैया या गांव वालों के जैसे दद्दा बुलाएगो, या फिर बड़े नगरों में जैसे बुलाते हैं जेष्ठ भ्राता बुलाएगो, या फिर प्रेम से बुलाएगो दाऊ बुलाएगो ना? सुनो, आपने हमारे लल्ला ने निर्णय ले लियो, ये अपने भैया को ताऊ कहकर बुलाएगो। अरे वाह, लल्ला ने बोलना भले ही ना सीखो परंतु तुम्हें बता दियो। और नहीं तो क्या, लल्ला कुछ कहे ना कहे माँ तो समझ जाती है ना लल्ला? और इसने दाऊ वाली बात पे हाँ भी की है। हाँ, तो सदानंद जी ने भी कर दी है।
लो, मैं तो भूल ही गई, क्या कही पंडित जी ने? बता तो ना यशोदा, बाहर से आया हूँ, हाथ पैर तो धो लूं। हाँ, ले लो। अब बताओ कब का मुहूर्त निकालो है? तनिक हाथ मुंह पोछ लूं। अब बताओ क्या कही उन्होंने? यशोदा थक गए हो, तनिक सांस तो लेन दो। हर से आया हूँ, जल ना पूछोगी? आप बता दो जी, बाबा अब बता भी दो, नहीं तो खेल खेल में खेल हो जाएगा। हाँ बताओ। क्या हुआ गुरुदेव, कुछ समस्या है क्या? जो सत्य सारे संसार को पता है और जो संकेत ये कुंडली दे रही है, दोनों में विरोधाभास है राजन। मैंने कहा ना राजन, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये कुंडली मुझसे कह रही है कि आपके भाग्य में केवल पुत्र थे, आपके भाग्य में केवल पुत्र थे, तो पुत्री कैसे हुई? तो पुत्री कैसे हुई? इस कुंडली के अनुसार आपकी दोनों पत्नियों के एक-एक पुत्र जीवित हैं, एक-एक पुत्र जीवित हैं। देवकी, गुरुदेव, गुरुदेव मैं कुछ कैसे? कहने की आवश्यकता नहीं है राजन, मैं जानता हूं मेरे प्रश्नों के उत्तर कहां मिलेंगे। कौन से प्रश्न और कैसे उत्तर, किस बारे में बात कर रहे हैं ये लोग? जो भी बात कर रहे हैं वो मुझे सुनाई क्यों नहीं थी? सही समय की प्रतीक्षा कीजिए राजन, आपके दोनों कार्य पूर्ण होंगे। अब आप निश्चिंत होकर जाइए और प्रसन्नता मनाने की तैयारी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, प्रणाम। सच्ची पहले नारायण को धन्यवाद दो कि लल्ला को सूचना दो, कुछ समझ में ना आ रहा। लल्ला मैं अभी आया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नारायण, अब शीघ्र ही मेरे लल्ला और उसके दाऊ को उनके नाम मिल जाएंगे, वो नाम जिससे वे पूरे संसार में पहचाने जाएंगे। अब लल्ला को बताती हूँ। लल्ला, तू जैसे ही 100 दिवस का हो जाएगा, तेरा और तेरे दाऊ का नामकरण हो जाएगा। हाँ, किंतु आपने तो बताओ ही ना, हम इन दोनों को मिलवा कब सकते हैं? क्या देख रहे हो, बताओ तो। यशोदा, पंडित जी ने कही कि दोनों भाइयों को मिलवाने के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता ना है, तो हम चाहे तो इन्हें आज भी मिलवा सकते हैं। लल्ला सुनो, तूने तू आज ही अपने दाऊ से मिल सकता है। मैं अभी सारी तैयारियां करती हूँ, भव्य मिलन होगा गोकुल में, भव्य मिलन। कुंडली के अनुसार इन दोनों के 8 पुत्रों में से 2 जीवित बचे हैं। पहला तो रोहिणी पुत्र है, पर दूसरा कौन है? और वो कन्या कौन थी जिसे कंस ने मारा था? वासुदेव की कुंडली में अभी तक पुत्री योग बना ही नहीं है। अपनी आयु संभाल, काल तेरा अवतरित करे।
रूप है उसके ऊपर। आधी रात को इस तरह से उठकर बैठे हुए हैं आप स्वामी। मैं ये तो नहीं जानती कि किस बुरे स्वप्न ने आपकी नींद छीन ली है, परंतु इतना अवश्य जानती हूं कि जो सूचना ये गुप्तचर लेकर आया है, इसे सुनकर आप रात भर सो नहीं पाएंगे। क्या सूचना है? महाराज, उत्कच मारा गया, उत्कच मारा गया, उत्कच मारा गया। सूद बूद खो गए हो क्या? आपने जो दिखता ही नहीं, उसे मारा कैसे जा सकता है? इसने स्वयं देखा था महाराज, जिस शकट में समाकर शक्तासुर उस बालक को कुचलने वाला था, आपके शत्रु ने उसी शकट को चकनाचूर कर दिया। महाराज क्षमा। लगता है आपके सैनिक और तलवार दोनों की धार कुंद पड़ गई है महाराज। इस तलवार की धार पर अब तभी विश्वास दृढ़ होगा जब ये उस बालक के रक्त से स्नान कर लेगी। और कैसे? कैसे? कैसी लगी तुझे दाऊ से मिलने की तैयारी? बहुत अच्छी है मैया, पर उससे भी अच्छी है वो प्रसन्नता जो इस मिलन के उत्साह में मुझे आपकी आंखों में दिख रही है। यशोदा, तुमने तो दो भाइयों के मिलन को भी त्योहार बना दिया। हाँ तो जी, किसी त्योहार से कम थोड़ी ना है जी शुभ दिन। दोनों भाई के मिलन को पूरा गांव देखेगो। तो फिर अब बड़ी मैया को बुलाओ ना मैया। यशोदा जी, रोहिणी जी इतनी प्रतीक्षा क्यों करवा रही है? इतने दिवस से छुपा के रखे लल्ला को, अब तो शीघ्रता करनी चाहिए ना, है ना भाभी? प्रतीक्षा अवश्य की है, किंतु फल भी तो मीठा मिलेगा। आती होंगी रोहिणी जीजी। जीजी, कहीं उन्होंने अपना विचार तो ना बदल दियो। कितनी शीघ्र चिंतित हो जाते हो आप सब, देखो आ रहे हैं वो। लाल छुपा रखने को विवश थी नियति की सताई, भूल के भय माज प्रभु की, जग सम्मुख है लाल। देखो तो कितनी मधुर मुस्कान है। हाँ, और आंखें कैसी गंभीर और गहरी है। अरे अरे, ये तो हमारी नीलमणि की तरह सुंदर भी है। हाँ, सही कह रही है तू, और कितना प्यारा भी है। और कितना पलचानी में लग रहा है ये। हाँ, हाँ, तो देखो इसके। हाँ, बिल्कुल लाल लाल टमाटर की तरह।
देखो तो दाऊ आए नहीं कि ये सब की सब मुझे भूल ही गई। अरे हटो सामने से, मुझे भी तो देखने दो। मैया सहायता करो ना। चलो हटो सब, हटो 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 सामने से। चलो दोनों भाइयों को एक दूसरे से मिलने तो दो। आ गए जी, तेरे भैया, तेरा दाऊ। जी भर के बातें करो और निहारो एक दूसरे को। लाओ जिंजी, आजा। जे रहे तेरे दाऊ। आओ जिंजी। स्वागत है दाऊ, कितनी प्रतीक्षा के बाद अब जाकर आपसे भेंट हुई है। क्या हुआ दाऊ, मुझे पहचान नहीं पा रहे? कितनी देर लगाओगे दाऊ, अब तो पहचान लो, छोटा भाई हूँ आपका। प्रभु को भक्त शेष की आंखें है भर आई, भावुक हरि भी निहारे की अब मिलन की बेलाई। प्रभु आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। प्रभु नहीं, छोटा भाई पुकारो शेष। ये कैसे संभव है, आप नारायण हैं, मेरे प्रभु। ये जानते हुए भी मैं आपसे बड़ा कैसे बन सकता हूँ? हर दुविधा की तरह इसका भी समाधान है शेष। अब तो हम एक दूसरे से मिल भी चुके हैं, पृथ्वी पर हमारा सूत्र जुड़ चुका है, इसलिए समय के साथ तुम ये भूल जाओगे कि तुम्हारा ये भाई मेरा ही अवतार है। ये क्या कह रहे हैं प्रभु? वही जो आवश्यक है, नहीं तो तुम नीलमणि के बड़े भाई होने का कर्तव्य कैसे निभाओगे? कैसे डांटोगे मुझे? और बड़े होने के नाते मुझ पर अधिकार कैसे दिखाओगे? पर प्रभु, पर किंतु परंतु ये सब भूल जाओ शेष। आज से इसी क्षण से मैं हूं तुम्हारा छोटा भाई और तुम मेरे ताऊ। मैं हूं तुम्हारा छोटा भाई और तुम मेरे ताऊ। नारायण नारायण दाऊ। दोनों इतने सुंदर लग रहे हैं, मेरी तो दृष्टि भी ना हट रही इससे। कहीं मेरी ही दृष्टि ना लग जाएगी।
ये तो प्रतिदिन की कथा है दाऊ। हे नारायण, मेरे कानों से तो अभी से रक्त निकलने लगा। आदत डाल लो दाऊ, अब तो सहना ही पड़ेगा। वो देख रहे हो सुलक्षिणा चाची, सबसे अधिक चतुर यही है। केवल अधिक चतुर ही नहीं नीलमणि, बहुत अधिक सयानी भी है ये। बिल्कुल सही पहचाना दाऊ, पर आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगा इन सबको। देखो तो जिज्जी, इन दोनों की दृष्टि एक दूसरे से ऐसी चिपक गई है कि अब हटने का नाम ही ना ले रही। जे सूचक है उस प्रेम के बंधन का, जिसमें जे दोनों भाई आज के बाद सदा के लिए बंध जाएंगे। मुझसे भूल हो गई यशोदा, मैंने इन दोनों को पहले ही मिलवा देना चाहिए था। मैं कहती थी ना आपसे। आई मैं। क्या सोच रहे हो ऐसे खड़े खड़े? देख रहा हूं दोनों भाइयों का जो मिलन किसी त्योहार से कम थोड़ी ना। सही कहा था तुमने। सुना ना तूने जो गोपिया क्या कह रही थी कि नीलमणि का दाऊ कितना बलशाली है। इसका तो यही अर्थ हुआ ना कि नीलमणि अपने दाऊ जितना बलशाली ना है। अब समझा मैया कि आज मुझसे इतना व्यायाम क्यों करवाया जा रहा है। पर मुझे पता है मेरा नीलमणि सबसे अधिक बलशाली है। हाँ। उज्जवल ने कही थी ना, नीलमणि ने यूं उड़ा दिया था काले कौवे को मथुरा की ओर। और उज्जवल ने तो ये भी कही थी कि नीलमणि ने अपने पांव से सकट पे प्रहार भी किया था। कैसे किया था प्रहार? ऐसे किया था। लग गई मैया को। कैसे किया था? फिर से बता कैसे किया था। मेरे लल्ला में कितना बल है, मैया को ही धकेल दियो पीछे। अच्छा ही है कि आप उज्जवल के कहे को गंभीरता से नहीं ले रही, नहीं तो आपका ये रूप मैं कैसे देख पाता मैया। फिर से बता कैसे मारा था। लल्ला तू बड़े के जैसे कब से हंसने लगो? आप यहाँ क्या कर रहे हो? छुप छुप के मैया और लल्ला को खेलते हुए देखने के अतिरिक्त और कोई कार्य ना है आपके पास? कार्य तो है, पर यह अधिकार भी है कि मैं अपनी बड़ी सी पत्नी को अपने छोटे से लल्ला के साथ छोटे बालकों की तरह व्यवहार करते हुए देखूं। हाँ? अब देख लियो ना, अब जाओ अपना कार्य करो। कार्य तो कर लूंगा, परंतु मेरा पेट मुझसे कह रहा है कि इसे भूख लगी। भूख लग गई? भोजन का समय हो गया? अभी लगाती हूँ भोजन। Thank you.
क्या हुआ लल्ला, इतना उतावला क्यों हो रहे तुम? तुझे भी भूख लगी आई है क्या? सच्ची में भूख लगी आई है कि मंद मंद मुस्कुरा के मैया को बांधना चाहता है? तनिक रुक जा, तेरे बाबा को भोजन परोस के यूं गई और यूं आई। मेरा अच्छा लल्ला, आई आज केवल रोटी है खाने में? ना, दाल है ना, तरकारी भी है, दही है, लड्डू भी है। तो दाल ले आओ। अभी लाई है। अब उससे भूख ही लगी होगी उसे। यशोदा, दही नहीं दाल। क्षमा करना, भूल गई। यशोदा, दाल, दाल। अब ऐसे क्या देख रहे हो? बोला ना भूल हो गई, सब मिला के खा लो, पेट में तो मिलना ही है। थोड़े चावल मिलेंगे? हाँ मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। लड्डू नहीं चावल। हंस क्या रहे हो जी? आज व्यायाम भी बहुत कस के करवाओ था मैंने, कहीं अधिक भूख तो ना लगी होगी। सच्ची है सुधा, बिल्कुल ना बदली तू। पहले रामू की चिंता में व्याकुल रहती थी और अब हम नीलमणि में तुम्हारा मन लगा रहते हैं। हाँ तो लल्ला भूखा हो और मैया का मन व्याकुल भी ना हो, ऐसा हो सकता है भला? फिर तो दूध पिला दो ना उसको। जाऊं? शीघ्र जाओ। किंतु आप तो खा रहे हो ना पति देव। वही तो यशोदा, मैं खा रहा हूं किंतु वो भूखो है। चल ठीक है। यहां थे तो लल्ला की भूख के लिए चिंतित थे, अब वहां जाएगी तो पक्का मेरे भोजन के बारे में चिंता करेगी। कहीं आधी भूख में ना उठ जाए तेरे बाबा, उन्हें कुछ और चाहिए होगा तो। सही कहा था बाबा ने, वहाँ मेरी चिंता थी, यहाँ बाबा की चिंता है। सच्ची मैया, अनोखी हो आप। अरे इतने से पेट भर गया तेरा? ना जे वाली मुस्कुराहट तो मती दिखा मुझे, इतनी शीघ्र तेरा पेट भर ही ना सकता। मैया जानती है अपने लल्ला की भूख। ये क्या है लल्ला? ये क्या था तेरे मुंह में? दिखा दिखा। दया करें दया निदान, यदि मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध भीतर जाने की कोशिश करता तो जितनी सूचना मुझे मिली है उतनी भी नहीं ला पाता। तब आपको कैसे पता चलता महाराज कि आपकी बहन और बहनोई मात्र अपनी वृद्ध संतानों के श्राद्ध के लिए बाहर नहीं गए थे?
आगे बोलो। पूरी तरह तो नहीं सुन पाया महाराज, किंतु मैंने स्वयं अपने नेत्रों से देखा है महाराज, राजकुमारी देवकी ने ऋषि गर्ग के हाथ में कुछ दिया था। ये सत्य है महाराज, और ऋषि गर्ग ने उन दोनों को वचन भी दिया था। सही समय की प्रतीक्षा कीजिए राजन, आपके दोनों कार्य पूर्ण होंगे। महाराज मैं आपका सबसे विश्वसनीय सेवक हूं, आपके हर आदेश का पालन करना मेरा अधिकार है, और मैंने अपने अधिकारों का पालन किया भी है महाराज, किंतु फिर भी यदि मेरी ओर से कोई भूल हुई हो मुझे क्षमा करे दया निदान, मुझे क्षमा करे। इसका अर्थ है कि उत्कच सही कह रहा था, वो दोनों अवश्य ही कोई ना कोई षड्यंत्र रच रहे हैं मेरे विरुद्ध। समय आ गया है, अब मुझे किसी ऐसे की खोज करनी होगी जो उतना ही शक्तिशाली हो जितने की मेरी ये तलवार। अभी से पुकारने लगो जी, अभी तो आई हो रसोई में। शीघ्र ही तुझे भी अपने बाबा का हाथ बटाना पड़ेगा, समझ रहे है ना? बटाएगो ना हाथ? अभी जिस 100 दिन का भी ना हो और जिस नन्हे से बालक को काम काज का भार सौंपने की बात करने लगे। काम का नाम सुनते ही मुख से स्वर ना निकल रहे तेरे, अभी तो बड़ा ऊ कर रहा था। बता हाथ बटाएगो के ना? अरे बता ना। कल तू पूरा 100 दिन को हो जाएगा लल्ला, पंडित जी आएंगे, तुझे नया नाम मिलेगो। देखो तो मन में तो इनके भी कितना उत्साह भरो है, बस दृष्टि में मैं ही आती हूँ। और कल तुझे वो नाम मिलेगा लल्ला जिससे पूरा संसार तुझे पहचानेगा। लल्ला कितना कार्य शेष है और तूने मुझे बातों में लगा लियो। मुझे क्यों फंसा रहे हो बाबा? छुपाने की कोई आवश्यकता ना है, जितनी उत्साहित मैं हूँ उतने ही उत्साहित आप भी हो इसके नामकरण को लेके, पता है मुझे। लल्ला के नामकरण पे उसके बाबा उत्साहित ना होंगे? बिल्कुल होंगे, इसीलिए तो कह रही हूँ अपना उत्साह बांटो अपने लल्ला के साथ, मैं अभी आई। अच्छा ऐसे तो तुम लल्ला को छोड़ के कहीं ना जाती, अभी कहाँ चली? रोहिणी जिज्जी के पास और कहाँ, लल्ला और उसके दाव के नामकरण की तैयारी करनी है कि ना, कितने लोगों को आमंत्रित करना है, कितने प्रकार की मिठाइयाँ बनानी है, ढोल वाले को कितने बजे का समय देना है, ये सब सुनिश्चित करना है ना, ताकि ये उत्सव गोकुल का सबसे बड़ा उत्सव हो। अरे सूची देनी है जिज्जी को। सबकी कोई आवश्यकता ना है। आवश्यकता ना है मतलब कहना क्या चाहते हो आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि यशोदा सत्य तो ये है कि हमें दुख में ना अत्यधिक दुखी होना चाहिए और ना सुख में अत्यधिक उत्साहित। प्रसन्नता कितनी भी क्यों ना, हमें उत्सव संयम से ही मनाना चाहिए। इतने वर्ष संयम ही तो रखा था ना नंद जी, ये समय संयम का ना आनंद से बावले हो जाने का है। यशोदा
हम आयोजन छोटा ही करेंगे। मैं कुछ सोच समझ कर ही तो कह रहा हूँ। पर क्यों? मुझे भी तो समझाओ। हर बात समझाने की ना होती है सुधा। अच्छा, पति पत्नी में भेद हो तो है? ठीक, मैं कोई भेद ना रखू। जो भी अब तक मैंने तुम्हें ना बताया है वो सब बताऊ। ओहो, क्या कर रहे हो बाबा? कंस के बारे में कुछ बता मत देना मैया को। वो मंगला है ना, उसने आज शाम को ही बछड़ा दियो और भाद्रपद का मास लगभग बीतने को ही है, तो धीरे धीरे शरद ऋतु आ जाएगी, दूध की हानि भी कम हो जाएगी। हा? और वो सरजू है ना, उसको बैद जी ने पूरे पखवाड़े का विश्राम के लिए कहा है। क्यों? क्योंकि वो ठाट से गिर गए थे और गिरते समय उसे भीतरी चोट लग गई थी। अरे बस बस बस, ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? इसका नामकरण से क्या संबंध? तुम्हें ने तो कही ना कि पति पत्नी के बीच में कोई भेद ना होता। तो मुझे जो भी बात पतो है मैं तुम्हें बताऊंगा। कितनी समझदारी से बात बदल देते हो आप, और भोली भाली मैं आपकी बातों में आ जाती हूँ और इस सब में असली बात तो रह जाती है। किंतु आज बात मेरे लल्ला की है, उत्सव तो विशाली होगा और इस बारे में कछु और ना सुनूंगी मैं। आप लल्ला का ध्यान रखो, मैं जा रही हूँ रोहिणी जीजी के पास। यशोदा, बात केवल सुनने की ना होती, उसे समझना भी पड़ता है। विश्वास है ना मुझ पर? मैं कुछ सोच समझ कर ही कर रहा हूँ ना। उत्सव तो छोटा ही होगा। समा करना लल्ला, तेरी मैया को डांटना पड़ गया। आपको मेरी सुरक्षा की चिंता है बाबा, समझता हूँ मैं, इसलिए आपने ये निर्णय लिया है। समझ में नहीं आता, कब कौन सा निर्णय क्यों लेते हैं आप? यदि कंस को समझना इतना आसान होता तो कंस नहीं होता। ये नया सिंहासन उसके लिए है जो मेरा विश्वास पात्र बनेगा, मेरे दाहिने हाथ की तरह, मेरे मन के सबसे निकट होगा वो। मंत्री परिषद में विशेष स्थान की प्राप्ति होगी, मेरे बाद पूरे राज्य के लिए उसी का वचन होगा शासन। किंतु ये अधिकार केवल उसे प्राप्त होगा जो मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, मेरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य करेगा वो। इसलिए जाओ, कह दो सभी बाहुबलियों को, महाबलियों को, दैत्यों को, दानवों को, प्रेतों को, पिशाचों को, सभी को ये सूचना दे दो। ना ना ना, ना। सूचना नहीं, चुनौती दो कि यदि साहस है तो आए, मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो और सिंहासन पर बैठने का अधिकार प्राप्त कर ले। जाओ। और हाँ, ये अवश्य कहना कि केवल वही आए जिनके हृदय में साहस का ज्वालामुखी धधकता हो, जिनकी तलवारें पर्वतों का सीना चीरने को व्याकुल हो, जिनकी संकल्प शक्ति इतनी दृढ़ हो कि मृत्यु से टक्कर ले लें। कायर नहीं चाहिए मुझे। जाओ। महाराज, आप जिसे भी ये विशेष पद देंगे
भविष्य में यदि वही हमारे शीश पर बैठ गया तो क्या करेंगे आप? पहले ऐसा कोई योद्धा सामने तो आए अस्ति जो उस विष्णु के अवतार का संहार कर सके। और जहां तक प्रश्न है हमारे शीश पर बैठने का, तो स्मरण रखो अस्ति, कंस को अच्छी तरह आता है ऐसे दुस्साहसियों को बीच दरबार में खड़ा करके अपनी उंगलियों के संकेत पर नृत्य करवाना। ता दीर्घ ता और अपना कार्य सिद्ध होने के बाद उनके तन से उनके शीश को उतारना। कंस को भली भांति आता है। पूरे 100 दिन का होगा वह तो लल्ला, कम से कम 100 व्यक्ति तो आने चाहिए थे ना तेरे और तेरे दाऊ के नामकरण में। हाँ, अब तुम मुस्कुरा क्या रहो है? तू ही बता, जे भवन देख के लग रहो है यहाँ कोई उत्सव है? बिना अतिथियों के कैसा उत्सव और कैसा आनंद, तू ही बता। पर मैं करूं भी तो क्या? पता है लल्ला, मुझे तो लग रहा है तेरे बाबा ना कंजूस होगा। मैं नहीं तो भला और क्या समस्या हो सकती है उन्हें बड़े आयोजन से? अरे गोकुल के राजा का लल्ला है तू, राजकुमार, यदि तेरा आयोजन बड़ा ना होगो तो भला किसका होगो? मेरी भूल है, मैं भोली हूं इसीलिए व्यर्थ में तेरे बाबा की बातों में आ गई। मैं भोली हूं ना, व्यर्थ में उनका कहा मान गई। किंतु अब ना मैं कोई मांग रखूंगी ना मैं उनसे बात करूंगी। और कहे देती हूं लल्ला, सावधान जो इस बार तू बीच में आया तो। हाँ नहीं तो सब ठीक तो है ना? आप इतनी चिंता में क्यों हो जी? कुछ बुरी सूचना तो ना मिली? अब जे मत भी कहना कि जे भी मुझसे छुपाना पड़ेगा, जो भी है मुझे बताओ। पंडित सदानंद जी महाराज वो नामकरण के लिए ना आ सके, उनकी बिटिया के पांव भारी, उसे लिवाने वो समझाने गए। तो सुख समाचार है, किंतु मेरे लल्ला का नामकरण अब वो सही मोड़ पे कैसे होगा? वही तो समझ ना आ रहा। ऐसे मन छोटा करने की आवश्यकता नहीं है मैया बाबा, आप दोनों तो स्वागत की तैयारी करो, आ रहे हैं वो। जिनकी मुझे प्रतीक्षा थी, आप दोनों व्यर्थ ही चिंता कर रहे थे। अब कौन करेगा मेरे लल्ला का नामकरण? ऋषि गर्ग, नंदराज, रानी भाभी, महान ऋषि गर्ग हमारे गांव में पधारे हैं। कर गोकुल में? हाँ नंदराज, और क्या रहते हैं, उन्हें यादव राज वासुदेव जी ने भेजो है रानी जी के पास। अरे तो तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जाओ उनके सत्कार की तैयारी करो। जी यशोदा, उनके स्वागत की तैयारी करो। सुनो जी, वो तो यादवों के कुलगुरु है ना, रोहिणी जी के यहाँ आए हैं, हमारे यहाँ आएंगे।
देखती जाओ मैया, वो सीधे हमारे घर ही आएंगे। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं उस भवन की ओर क्यों बढ़ा जा रहा हूँ? क्योंकि आपके यहाँ आने से ही मेरी मैया बाबा की चिंता समाप्त होगी ऋषिवर। ये बात तो मैं न जानता, परंतु मुझे जाकर उनको स्वागत करना चाहिए। गुरुदेव, कल्याण हो। भगवान श्री नारायण के महान भक्त आज हमारे गांव में पधारे, हमारा जीवन सफल है गया आज। वो भवन आपका है नंदराज? आपके शुभ चरण पड़ेंगे तो हमारा जय भवन पवित्र हो जाएगा। इतने बड़ी ऋषि अगर हमारे घर पधारेंगे तो हमारे तो भाग्य ही सवर जाएंगे। मैया आपके दर्शन को तरस रही है ऋषिवर, संकोच मत कीजिए, अब आप ही जाइए। पधारिए गुरुजी। न जाने क्यों मेरे पांव अपने आप ही आपकी भवन की तरफ जाने को व्याकुल है नंदराज। पधारिए गुरुदेव, आइए। कल्याण हो। पधारिए। आया तो था मैं रानी रोहिणी के भवन में, पर पता नहीं कैसे यहां खींचा चला आया। विराजिए गुरुदेव। महाराज, आप इसे भी रोहिणी जीजी का ही घर समझिए, मैं अभी बुलाकर लाती हूँ। महाराज, ये हमारा सौभाग्य है कि आपने यहां आना स्वीकार किया। कहिए, क्या सेवा करूं मैं आपकी? मुझे आपके भाई वासुदेव ने भेजा है नंदराज। प्रणाम गुरुदेव। स्वामी जी ने आपसे इतनी दूर आने का आग्रह किया है, अवश्य ही कोई बड़ा कारण होगा। कारण तो है, आपके पुत्र का नामकरण करने आया हूं मैं यहाँ। ऋषिवर, तब तो आप अत्यंत ही शुभ दिन पधारे। आज का ही मुहूर्त निकलो है भाभी के लल्ला और हमारे लल्ला के नामकरण के लिए। हम तो पंडित जी गांव से बाहर है, इसीलिए आप अब तो आप यहाँ आ गए हो, आप हमारे भी लल्ला का नामकरण कर दो ना। पुत्री, ये क्या कह रही हो तुम?